हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ अपनी आईज़ के ऊपर नाइट पार्टी आई मेकअप लुक, जो कि आप नाइट पार्टी में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। बट वीडियो आगे शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उस पर हिट कर दीजिएगा, और जब वो ग्रे हो जाए तो उसके साथ में जो बेल आइकन आपको दिखाई देगा उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरी वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एब्सोल्यूट का आई प्राइमर है, और इसे मैं अपनी आईज़ के ऊपर लगाऊँगी और अपने फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। पाउडर की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही लिक्विड ही होता है। इसके बाद मैं अपनी आईज़ को कंटूर करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर है, इसे मैं ट्रांजेक्शन शेड दूंगी और अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी, और एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। और अपनी जो पूरी आईलिड है इस पर भी मैंने इसको थोड़ा सा अप्लाई किया है, ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग करने से ही आपका लुक जो आई मेकअप लुक होता है वो अच्छा दिखता है। अब इसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपने आउटर वी की तरफ लगाऊंगी, थोड़ा सा और यू नो आई लुक को बाहर की तरफ डार्क दिखाने के लिए। तो ये मैंने आउटर वी में अच्छे से अप्लाई किया, और ये पेंसिल ब्रश है और इसकी हेल्प से ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ मैं अपनी आउटर कॉर्नर को। और इसके बाद मैंने ये लूज पिगमेंट है ग्लिटर, ये मैंने लिया है, और इसे मैंने एक एलोवेरा जेल में मिक्स करके तब अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई किया है। इससे क्या होता है, ये अप्लाई भी हो जाता है और ज़्यादा फैलता भी नहीं है आपके फेस पे, तो ये टेक्निक काम आती है, तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद में ये लाइट गोल्डन सा शेड है, एक्चुअली ये गोल्डन शेड ही है, तो इसे मैंने अपना आउटर वी में थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करने के लिए अप्लाई किया, और इसके बाद मैंने डार्क कलर थोड़ा सा और लेके अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया सबको, ताकि हार्श लाइंस ना दिखें। इसके बाद मैं अब मेबलिन का आईलाइनर, जेल आईलाइनर ले रही हूँ, और इसे मैं आईलाइनर लगाऊंगी और एक विंग क्रिएट करूँगी, और यहाँ पर मैंने विंग क्रिएट की है। अगर आपने ग्लिटर लगाया है तो जेल आईलाइनर बेहतर रहते हैं यूज़ करने में, और ज़्यादा फैलते भी नहीं है, तो यू नो इजी रहता है इनको लगाना, बस आपको लगाना आना चाहिए। और अब मैं अपने टाइट लाइन में भी ये वाला आईलाइनर जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि सब अच्छा से दिखे। और अब मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, सॉरी मैंने दिखाया नहीं, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तो ये मैंने जस्ट ऊपर एक लाइन अपने आई लाइनर के ऊपर अप्लाई कर लिया, ताकि जो लुक है थोड़ा और अच्छा लगे। और अब मैं ये अपनी ऑरेंज शेड लेकर, यह सफर का आई शेडो पैलेट है, इसमें से ऑरेंजी शेड लेकर मैंने अपनी लोअर आईलिड पे अप्लाई किया, अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ये मिनी आई शेडो पैलेट है, आई थिंक 150 रुपीज़ में आता है, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद मैंने अपने लोअर आईलिड पे भी ये जेल आईलाइनर थोड़ा सा लगाया है, और उसे अच्छी तरह से फिर स्मच किया है, ताकि थोड़ा अच्छा स्मोकी सा लुक क्रिएट हो। और वाटर लाइन में भी मैंने इसी जेल आईलाइनर को अप्लाई किया है। और अब मैं यहाँ पे ये वाला लाइक शैम्पिन सा शेड लेकर, क्रीम शैम्पिन कुछ ऐसा शेड है ये, इसे लेकर मैंने अपनी ब्राउन एरिया पर अप्लाई किया है एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, स्मॉल फ्लैट ब्रश है ये, और अपने इनर कॉर्नर्स में भी मैंने इसी को अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पर मेबलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा ले रही हूँ, और इस मस्कारे को भी मैं अच्छी तरह से अपनी लैश लाइन में
एक्चुअली मैंने फॉल्सेस लगा ली थी और उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है ताकि दोनों अच्छे से मिक्सअप हो जाएं, मेरी फॉल्सेस भी और फेक फॉल्सेस लगाए मैंने, फेक आई लैशेज और मेरी खुद की आई लैशेज अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और ये रहा मेरा फाइनल आई मेकअप लुक। आप लोग ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा फाइनल आई मेकअप लुक जो है ये कैसा लगा, और अच्छा लगा तो उसे लाइक, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन ओके बाय। मैं जितना तुम्हें देख